हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये सम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लॉग एक्स लॉग के रूल्स हैं ना, वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर जो हमारा डिफरेंशिएशन था उसमें एक्सप्लेन किए थे अच्छे से। सो आपको ये सम करने के लिए डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के लॉग के रूल्स आने चाहिए कि लॉग का डेरिवेटिव कैसे होता है। अब यहाँ पर एक्स भी है इंटू लॉग एक्स भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो क्या करना होगा, हमें यू इक्वल्स टू एक्स लेना होगा, v इक्वल्स टू लॉग एक्स लेना होगा और मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना होगा। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। सो हमने यहाँ पर u एंड v अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। अब मैं फार्मूला लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। सो v, v की वैल्यू है log x एंड डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस u है x एंड डेरिवेटिव ऑफ v 1 अपॉन x। अब अगर ये मैं एक्स एक्स कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर लॉग एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा लॉग एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1। सो ये हुआ सिंगल डेरिवेटिव। अब मुझे करना है डबल डेरिवेटिव। सो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव में यू वी नहीं लेना है क्योंकि यू वी कब लेंगे हम, जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो प्लस है। सो डबल डेरिवेटिव में लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो 1 अपॉन एक्स ये डेरिवेटिव हुआ डबल डेरिवेटिव। अब हमें प्रूव क्या करना है तो मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। सो प्रूव करना है हमें क्वेश्चन नंबर 19 में एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, सिंगल डेरिवेटिव जो मैंने किया था, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू जो थी दैट वाज लॉग एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट एंड प्लस जो वाई की वैल्यू है वो है एक्स इंटू लॉग एक्स। सो एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स सिंगल डेरिवेटिव लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। सो नाउ अब यहाँ पर हमारा सिंगल एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है डिवाइड में एक्स है, तो सिंगल एक्स कैंसिल हो गया, बाकी बचा एक्स माइनस। अब इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू वन एक्स एंड प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। सो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस लॉग इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स एंड प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स भी कैंसिल हो गया, सो बाकी वैल्यू बची ज़ीरो। सो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 19 था, लॉग के रूल्स थे, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज था इसका क्वेश्चन 19 का और ये इसका सेकंड पेज।
सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, बट लेक्चर पूरा करने से पहले मैं आपको फ्यू क्वेश्चन एज अ होमवर्क देना चाहता हूँ, ताकि आप क्या करें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाएँ। सो ये सम तो यहाँ पर पूरा हुआ आपका, ठीक है। होमवर्क करना है अब आपको। मोस्टली मैं आपको एक्सरसाइज के सम करवाता हूँ, और होमवर्क में मैं ट्राई करता हूँ आप इलस्ट्रेशंस करें। तो ये देखिए, इलस्ट्रेशन 4 करना है आपको, इलस्ट्रेशन 5 करना है, इलस्ट्रेशन 6 एंड इलस्ट्रेशन 7। सो होमवर्क में आपको करने हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 एंड 7। ये इसी टाइप के सम हैं जो हमने 18 एंड 19 नंबर किया है। 18 एंड 19 जो हमने किया है, ये उसी टाइप के सम्स हैं। सो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आगे के सम्स मैं आपको आगे के लेक्चर्स में करवाऊंगा।